जब किसी का त्वचा यानी जब किसी का स्किन ड्राई हो जाता है तब उस समस्या में डॉक्टर के द्वारा यह क्रीम लगाने के लिए दिया जाता जैसे है। कि ड्राई स्किन की समस्या आपने देखा होगा सर्दियों के टाइम में खासकर लोगों को ड्राई स्किन की प्रॉब्लम रहता है तब उस समस्या में ये क्रीम लगाने के लिए डॉक्टर के द्वारा दिया जाता है। और जैसे कि यदि कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा धूप में रहता है या फिर धूप में जाने के कारण आपके चेहरे पर पपड़ी सा निकलने लगता है, उसमें दरार आ जाता है, चेहरा कड़क कड़क सा महसूस होता है, चेहरे पर रेडनेस आ जाता है, स्वेलिंग सा होने लगता है और जैसे कि चेहरे पर खुजली के जैसा महसूस होने लगता है, तब डॉक्टर के द्वारा इन सारी प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए ये क्रीम लगाने के लिए दिया जाता है। और इस क्रीम का उपयोग स्किन से रिलेटेड यानी त्वचा से रिलेटेड किस प्रकार की दिक्कत किस प्रकार की परेशानी रहती है तब डॉक्टर के द्वारा ये क्रीम लगाने के लिए दिया जाता है। इस क्रीम को लगाना कैसे होता है, इस क्रीम का डोज क्या होता है, इस क्रीम का साइड इफेक्ट क्या होता है, यह पूरा जानकारी आज हम आपको हिंदी में देने वाले हैं। ड्राई स्किन की समस्या में यह क्रीम डॉक्टर के द्वारा लगाने के लिए बताया जाता है। जब किसी का स्किन ड्राई हो जाता है तब उस प्रॉब्लम में यह क्रीम अप्लाई करने के लिए बताया जाता है। जैसे कि यदि कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा धूप में रहता है या फिर यदि कोई व्यक्ति धूप में जाने के कारण जो उसका त्वचा है यानी जो उसके चेहरे हाथ ही या पैरों में आपने देखा होगा दरारें पड़ जाती हैं, उसके स्किन पर काफ़ी ज़्यादा कड़ा कड़क सा महसूस होने लगता है और जैसे कि आपने देखा होगा स्किन पर खुजली के जैसा महसूस होने लगता है, स्किन पर रेडनेस के जैसा महसूस होने लगता है, आपने देखा होगा खुजली होने के बाद में जो वहाँ की स्किन रहती है चमड़ी रहती है वो एक परत के जैसा आपने देखा हो जा उजड़ने लगती है, एक समय से कड़ा कड़ा सा हो जाता है, पपड़ी के जैसा महसूस होने लगता है, स्किन कड़ा कड़ा सा हो जाता है, तब उस सारी समस्याओं को ठीक करने के लिए डॉक्टर के द्वारा यह क्रीम अप्लाई करने के लिए दिया जाता है। यह क्रीम आपके स्किन को एकदम मुलायम बना के रखता है। यह क्रीम काफी अच्छा क्रीम होता है। यह क्रीम डॉक्टर के द्वारा काफी ज्यादा एडवाइस किया जाता है मरीज को लगाने के लिए। जैसे कि जो इस क्रीम में पाया जाता है वाइट सॉफ्ट पैराफिन और लाइट लिक्विड पैराफिन पाया जाता है। और जैसे कि इस क्रीम का मुख्य उपयोग स्किन से रिलेटेड समस्याओं में किया जाता है, जैसे कि स्किन पर पपड़ी पड़ना, स्किन पर बहुत ज़्यादा खुजली रहना या फिर किसी भी कारण से आपके स्किन पर एलर्जी की समस्या हो जाना, एलर्जी के कारण वहाँ पर रेडनेस सा महसूस होना, तो इन सारी समस्याओं को ये क्रीम ठीक कर देता है। और जैसे कि यदि आपके चेहरे पर किसी भी कारण से दाग धब्बा पड़ गया हो, धूप में जाने की वजह से वहाँ से ब्लैक ब्लैक सा आपके स्किन पर चेहरे पर फेस पर हो गया हो खुजली होने के कारण, उसके बाद में दाग धब्बे का प्रॉब्लम रहता है, तो इन सारी प्रॉब्लम को ये क्रीम ठीक कर देता है। ये क्रीम काफ़ी अच्छा क्रीम होता है। ये क्रीम डॉक्टर के द्वारा काफ़ी ज़्यादा इन सारी समस्याओं को ठीक करने के लिए मरीज को प्रेस्क्राइब किया जाता है। चलिए अब हम आपको बताते हैं ये क्रीम लगाना कैसे होता है। जैसे कि ये क्रीम आपको दिन में 2 से 3 बार डॉक्टर के द्वारा लगाने के लिए बताया जाता है। ये क्रीम लगाने के बाद में आपको कभी भी धूप में ना निकलें, जैसे कि ये क्रीम लगाने के बाद में आपको धूप के संपर्क में नहीं जाना होता है। जैसे कि ये क्रीम आप अपने स्किन पर जहाँ पर अप्लाई करना चाहते हैं वहाँ पर आप अपने स्किन को पहले डिटॉल से या फिर साबुन से अच्छी तरह से धुल लें। धुलने के बाद में ये क्रीम आप अपने उंगली में लेकर के अपने फेस में या फिर आपके बॉडी में जहां पर स्किन पर जो समस्या है वहां पर ये क्रीम आप अपने उंगली से हल्के हाथ से अप्लाई करें। चलिए अब हम आपको इस क्रीम के साइड इफेक्ट के बारे में बताते हैं, इस क्रीम का क्या क्या साइड इफेक्ट देखा गया है। जैसे कि यह क्रीम लगाने के बाद में अगर आपके स्किन पर बहुत ज़्यादा रेडनेस सा महसूस होने लगे, इचिंग सा महसूस होने लगे, स्वेलिंग सा होने लगे, लालिमा सा पड़ने लगे, इसके अलावा अगर आपको एडिटेशन सा महसूस होने लगे तो यह क्रीम तुरंत बंद कर दें और अपने डॉक्टर या फार्मासिस्ट से तुरंत संपर्क करें। इसके अलावा अगर आपको और कोई दिक्कत और कोई परेशानी है तो एक बार अपने डॉक्टर या फार्मासिस्ट से संपर्क जरूर करें।